हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल द लीगल नॉलेज। आज हम देखेंगे 2023 में जो 18 नवंबर को एग्ज़ाम हुई थी एमपीएससी जुडिशियरी की, जेएमएफसी की जो एग्ज़ाम हुई थी, उसका जो हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर कैसा आया था और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये है बी सीरीज क्वेश्चन पेपर की, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे आए थे। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन मूव द कोर्ट फॉर प्ले बार्गेनिंग। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से करेक्ट ऑप्शन है थ्री, ओनली द एक्यूज। तो एक्यूज ही मूव करता है कोर्ट में फॉर प्ली बार्गेनिंग। क्वेश्चन नंबर टू आया था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। तो गलती से भी ये टिक मत कर देना, मैंने गलती से ये टिक कर दिया था, बहुत कन्फ्यूजन हो गया था इन दोनों में। तो आंसर, राइट आंसर है थ्री, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अडोप्टेड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ड्यूरिंग री एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस, तो क्या होता है कि ये थर्ड वाला ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन, अ न्यू मैटर कैन बी इंट्रोड्यूस विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। वोयरिज्म इज एन ऑफेंस मीन्स, तो ये क्या ऑफेंस, कौन सा ऑफेंस है ये हमने पढ़ा था सीआरपीसी में कि वोयरिज्म ऑफेंस है, अ मैन वॉचिंग और कैप्चरिंग द इमेज ऑफ ए वुमन इन प्राइवेट। तो करेक्ट आंसर इज फोर। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर ड्राइंग द प्रिजम्पशन एज टू 30 ईयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट आंसर, सेक्शन 90 बात करता है कि कोई डॉक्यूमेंट 30 ईयर्स पुराना है तो, ठीक है, प्रिजम्पशन ड्रॉ करता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग था मेरा, तो देखते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है इसका आंसर है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड इन हिज एब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज करने के लिए देखिए क्या लिखा है, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। तो ये सारे जो ऑप्शन दिए ये गलत आंसर्स है, इसलिए हमने सिक्स का आंसर फोर है, नन ऑफ द अबव। सेक्शन क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे, सेक्शन 92 ऑफ द एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल टू डिस्प्यूट बिटवीन, ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट, द पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट ओनली। क्वेश्चन नंबर एट, अंडर सेक्शन 32 ऑफ द एविडेंस एक्ट अ स्टेटमेंट ऑफ ए पर्सन हु इज डेड इज टू बी एडमिसिबल वेन। देखिए सेक्शन 32 में है कि डाइंग डिक्लेरेशन की बात करता है, तो वो किस जो स्टेटमेंट रहता है ऑफ ए पर्सन हु इज डेड इज टू बी एडमिसिबल, ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट, वेन इट रिलेट्स टू द कॉज ऑफ डेथ। क्वेश्चन नंबर नाइन, अंडर सेक्शन 446+3 ऑफ सीआरपीसी पेनल्टी मेंशन इन द श्योरिटी बॉन्ड, आंसर ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट आंसर, कैन रिमिट एंड इन्फोर्स पेमेंट इन पार्ट ओनली। क्वेश्चन नंबर टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट टू सिटीजन, तो आर्टिकल 16 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 इज अंडर सेक्शन 148 ऑफ द सीपीसी वेयर एनी पीरियड इज फिक्स एंड ग्रांटेड बाय द कोर्ट फॉर द for the doing of any act prescribed or allowed by the CPC, the court may enlarge such period not exceeding to 30 days in total. Option number 1 is correct. Question number 12, when several persons do a criminal act in furtherance to common intention, option number 2 is correct answer, each of such person is liable for that in the same manner as if it were done by him alone. Question number 13, the section dealing with the medical examination of the victim of rape, तो यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है, सेक्शन 164A टॉक्स अबाउट द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप। क्वेश्चन नंबर 14, एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट द कोर्ट एग्जामाइन ओरली द पार्टीज प्रेजेंट इन द कोर्ट अंडर ऑर्डर 10 रूल 2 ऑफ द सीपीसी, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, विथ अ व्यू टू डिसाइड मैटर इन कंट्रोवर्सी। क्वेश्चन नंबर 15, अंडर सेक्शन 21 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इन अ सूट फॉर परफॉर्मेंस द प्लेंटिफ कैन सीक। सो क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसका आंसर ये ऑप्शन नंबर 2, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड इन द अल्टरनेटिव कंपनसेशन। क्वेश्चन नंबर 16, कंपेंसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और एक्सेसियस क्लेम इज इम्पोज अंडर सेक्शन, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, 35A। क्वेश्चन नंबर 17, आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो आर्टिकल 46 किससे डील करता है,
कॉन्स्टिट्यूशन का। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर यहाँ पे फोर्थ है, नन ऑफ द अबव, क्योंकि आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स करता है प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 18 इन लॉ अ मैन इज प्रेजेंट टू बी डेड इफ ही इज नॉट हर्ट, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, 7 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 19 सेक्शन ऑफ द आईपीसी प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड, तो यहाँ पे आंसर है 326B। 20 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द रिजाइन हिज ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 एनी क्लरिकल अर्थमेटिक मिस्टेक इन द जजमेंट डिग्री और ऑर्डर कैन बी करेक्टेड बाय द कोर्ट अंडर, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, सेक्शन 152 ऑफ द सीपीसी। क्वेश्चन नंबर 22 एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटिंग टू ट्राई, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ ए विटनेस अंडर सेक्शन, तो क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 दैट इज अंडर सेक्शन 161 रिकॉर्ड करता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस। क्वेश्चन नंबर 24 अंडर सेक्शन 2G ऑफ द सीआरपीसी इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर सीआरपीसी बाय अ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे जजमेंट ऑन एडमिशन कैन बी गिवन अंडर, तो 4 ऑप्शन सही आंसर है। 26 अंडर सेक्शन 190 ऑफ द सीआरपीसी कॉग्निजेंस मे बी टेकन बाय द मैजिस्ट्रेट अपॉन रिसीविंग पुलिस रिपोर्ट ऑफ सच फैक्ट्स, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। 27 एज पर सेक्शन ऑफ द एविडेंस अकम्प्लिस शैल बी कंप्यूटर विटनेस, तो 133 सेक्शन के अंडर में अकम्प्लिस को बताया गया है कि वो कंप्यूटर विटनेस है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। 28 क्वेश्चन देखेंगे अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड कैन बी प्रूव बाय एग्जामिनिंग तो एटलीस्ट वन ऑफ द अटेस्टेटिंग विटनेस, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। 29 प्लेन शैल बी रिजेक्टेड, तो कौन सा ग्राउंड होगा जिसमें प्लेन रिजेक्ट होगा इफ इट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। 30 द ऑफेंस ऑफ एफरे इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, तो 159 में एफरे डिफाइंड है आईपीसी के, ठीक है, तो 4th इज द करेक्ट आंसर। 31 लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया एज पर आर्टिकल 141, तो 4th इज द करेक्ट आंसर। प्लेस अंडर सेक्शन 2P ऑफ द सीआरपीसी इंक्लूड्स, तो यहाँ पे प्लेस जो होता है सीआरपीसी में डिफाइन है 2 सब क्लास पी में, वो इंक्लूड करता है हाउस टेंट और व्हीकल को, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 अंडर सेक्शन 64 ऑफ द आईपीसी अ सेंटेंस इंप्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फाइन शैल बी एक्सेस, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, बी इन एक्सेस ऑफ एनी अदर इंप्रिजनमेंट टू व्हिच एन ऑफेंस हैज बीन सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 34 एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड बट दे आर ऑपरेट एज अ एस्टॉपल्स, इस्टॉपल लगाता है वो आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते, ठीक है, तो 34 का ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 सेक्शन 121 ऑफ द एविडेंस एक्ट प्रोवाइड फॉर प्रिविलेज इन द 121 किसकी कौन से प्रिविलेज की बात करता है इंडियन एविडेंस की, तो जजेज एंड मजिस्ट्रेट, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 अंडर ऑर्डर 45 रूल 1 ऑफ द सीपीसी द टर्म डिक्रीज शैल इंक्लूड, तो फाइनल ऑर्डर, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। 37 वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 इयर्स, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो किससे डील करता है, इक्वल जस्टिस एंड लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 39 इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द सेड ऑफेंस इज, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर 40 अ डिफेंडेंट शैल फाइल रिटर्न स्टेटमेंट विद इन, तो ये सारे जो इन्होंने ऑप्शन दिए हैं ये सारे गलत हैं। 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ द समन चाहिए था, यहाँ पे इन्होंने ये गलत दिया है, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 41 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी स्टेट दैट नो अपील लाइज इन पेटी केसेस, तो सेक्शन 376 के अंडर दिया गया है कि पेटी केसेस के जो रहेगी उसके अगेंस्ट जो भी ऑर्डर होगा उसमें उसकी अपील नहीं होगी, ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 42 सेक्शन 96 ऑफ द आईपीसी सेज दैट नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। व्हेन इंजेक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड अंडर सेक्शन 41 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो यहाँ पे है कि कब इंजेक्शन नहीं ग्रांट किया जाएगा अंडर सेक्शन 41 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव।
सेक्शन क्वेश्चन नंबर 44 एंड अनलॉफुल असेंबली इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 141 ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 45 नो पर्सन इज एलिजिबल फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनलेस ही हैज कंप्लीट द एज ऑफ द 35 ईयर्स ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 46 अंडर सेक्शन 17 ऑफ द एविडेंस एक्ट एडमिशन इज अ स्टेटमेंट. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर आइदर ओरल और डॉक्यूमेंट्री और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 47 इज स्टॉकिंग इज एज एन ऑफेंस मीन्स. तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर दैट इज इलीगली फॉलोइंग अ वुमन एंड अटेम्प्टिंग टू कॉन्टैक्ट हर. तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 48 फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड दिस इज प्रोवाइडेड अंडर ऑफ एविडेंस एक्ट. तो सेक्शन 58 में बताया गया है कि फैक्ट्स जो एडमिटेड है उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 49 इफ एनी पार्टी टू द सूट डाइज आफ्टर कंक्लूजन ऑफ हियरिंग एंड बिफोर प्रोनाउंसिंग द जजमेंट. तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर द सूट शैल नॉट अबेट. क्वेश्चन नंबर 50 चैप्टर 21A ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डील्स विद द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर प्ली बार्गेनिंग. तो आज अभी के वीडियो में हम खाली 50 क्वेश्चन जो है कवर किए हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो बैलेंस 50 क्वेश्चन है वो कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा. तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा. अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपका पेपर कैसा गया बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.